काफी पूरा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज मैं आपको एक प्लाजो की कटिंग कर कर दिखाती हूँ, जो कि हमारे पास ये पहले से ही प्लाजो हमने स्टिच किया हुआ है, जो कि 10 साल की बेबी का है। ये हमारा एक स्टॉलर था, जो कि थोड़ा मोटा था, जर्सी टाइप कपड़े का होता है, स्टिच होता है, उससे हमने अपने स्टॉलर से ये प्लाजो बनाया है। ये हमारा सिला हुआ है, इसमें लास्टिक डली हुई है और ये 10 साल की बेबी का है। ये तकरीबन हमारा 2 मीटर का स्टॉलर था, उससे हमने ये लैस लगाकर प्लाजो बनाया है। और इस तरह का हम आपको कागज़ की कटिंग का ये पैनल हमने कटिंग करके रखा हुआ है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पहले से इसी के साइज का पैनल कटिंग किया हुआ, मैंने 11 इंच की इसके घूम लिए हुए हैं, जो के ऊपर से हैं इसके, और मैंने ना 12 इंच की इसकी आसन ली है, और 30 इंच की हमने इसकी लेंथ ली हुई है, और 20 इंच के हमने ये घूम लिए हैं इसके, और 15 इंच की इधर से हमने चुड़ाई ली है। ये देखिए, ये हमारा बड़े साइज का जो 10 साल की बेबी का प्लाजो है, ये उसका हमने पैनल बना के तैयार करके रखा हुआ है। मैं इसकी आपको कटिंग का तरीका भी बता देती हूँ। ये देखें, हमने एक छोटी सी डॉल के लिए निशान लगाया हुआ, ये देखें हमने यहाँ पे भी निशान लगाया, ये आसन का निशान है और ये इधर, ये ऐसे। और अब मैं आपको ये बताती हूँ, ये देखें, समझो ये हमारा 2 मीटर का स्टॉलर है, उसको हमने ऐसे तिकोने की शक्ल में रखा, और उसके बाद हमने ऊपर से इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। तकरीबन हमने ये 11 इंच का हमने यहाँ पे निशान लगाया, और फिर हमने इसी तरह इस तरीके का ये आसन का निशान ऐसे करके लगा कर फिर हम इसको गुलियाई ही कर लेंगे, फिर हल्की सी शेप ऐसे दे लेंगे ये ऐसे कर कर, और फिर हम अपने इसके नाप से इसी तरीके से ऐसे कर कर गुलियाई की शेप दे लेंगे। अभी मैं इसको आपको कटिंग कर कर दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने समझो 2 मीटर दुपट्टा था या हमारा कपड़ा था, ये हमने उसके लिए लिया। ये देखें, हमने ये आसन का निशान इस तरीके से कटिंग किया, और ये देखें, ये हमारा बड़ा प्लाजो इसी तरीके का सेम कटिंग होगा। ये देखें, उसके बाद हम इसमें लैस वगैरह लगा लेंगे। अगर हमने ये कम अरज का लेना, ये देखिए ये वाला भी मैंने निशान लगाया है, ये आपको समझ आएगा शायद, उस पेपर पे आपको शायद नज़र नहीं आ रहा। ये देखें, ये भी इसी तरीके का कटा हुआ, और हम चाहे तो हम थोड़ा सा ऊपर से ये लूज ले लेंगे, और इसमें हम बॉक्स प्लेट भी डाल सकते हैं इस तरीके से। ये देखें, ये ऐसे हमने एक कपड़े पे पहले से तैयार कर कर बॉक्स प्लेट रखी हुई है, जो कि मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये देखें, ये एक हमने कपड़ा लिया, और ये इसी तरीके से जैसे कि हमारा प्लाजो का एक पांचा है, और उसमें हमने ये पिनअप कर कर, ये देखें, ये हमने ना 2-2 इंच की इसमें 3 प्लेटें बॉक्स इधर दी हैं और 3 इधर दी हैं, ये आपको नज़र आ रही होगी। और इसके अलावा अगर हमारे पास लास्टिक तैयार हो, तो हम इस तरीके से ये लास्टिक ऐसे करके प्लाजो पे लगा लेंगे। अगर हम बॉक्स प्लेट नहीं देना चाहते तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको इस तरीके से दिखाती हूँ। अगर हमारे ये कपड़ा है, ऐसे कर कर हम ना इसको खींच कर ऐसे कर कर लगाएंगे, फिर छोड़ेंगे तो सारे में प्लेट्स आ जाएंगी। इस तरह का भी हम बेल्ट बना सकते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाने लगी हूँ। और ये लास्टिक का, जब ये हमारा बेल्ट इस तरीके का बनेगा, तो ये देखें कितना प्यारा सा हमारा प्लाजो तैयार हो जाएगा। फ्रेंड, अगर आपको ये हमारी कटिंग या हमारा आइडिया आपको पसंद आए, तो हमें ज़रूर कमेंट्स किया करें, हमें लाइक तो ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है, और हमें पता चलता रहता है कि हमारी कुछ कटिंग स्टिचिंग किसी के काम आई, हम किसी के काम आ सकते हैं, तो किसी को कुछ सिखा सकते हैं।
इसमें आपका कुछ नहीं जाता, आप है ना सब्सक्राइब और लाइक तो ज़रूर किया करें, और हमें हमसे अगर आप कमेंट्स में कुछ पूछते हैं तो हम जवाब भी ज़रूर देते हैं। ये देखिए, अगर आपने ये 10 साल की बेबी का है, अगर आपने मीडियम साइज़ का बनाना है तो आप है ना 2.5 मीटर बड़े अरस का कपड़ा होगा तो 2.5 मीटर में ये बन जाएगा, और अगर आपका अरस छोटा है तो आपका 3 मीटर में बनेगा, वो भी जोड़ के साथ। और ये देखें इसके माशाल्लाह से घूम भी कितने सारे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये लैस लगी, ये हम जब बेबी को पहनाकर आपको दिखाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि इसमें लचक है। हमने इसीलिए अपने इसे दुपट्टे से स्कार्फ से जो गोन के साथ पहनते हैं उसमें से हमने बना के देखा, तो ये इस तरह के अगर हमारे पास कपड़े रखे हों तो हम छोटे बेबी की कुछ ना कुछ चीज़ें बना सकते हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा, अगर ये आइडिया आपको पसंद आए तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और दुआ में याद रखना, अपना बहुत सा ख्याल रखना, अपने माँ बाप का, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का, और हमारे लिए भी दुआ करना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम फिर आपके लिए कोई नया आइडिया लेकर आएंगे, और अल्लाह हाफिज़।